यार ये बड़ा ऑब्सीन लगता है बट मैं दिखा देता हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में पानी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, सड़कें हैं, गार्बेज कलेक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब तो ये तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत ही होती हैं ये बातें। बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा हम कैंडिडेट को देख के वोट दें, ना कि सिर्फ पार्टी को देख। पार्टी के भी होने चाहिए 50%, बट कैंडिडेट काम करेगा। और सर इस बार ऐसा हुआ है कि सारे कैंडिडेट्स के लिस्ट, उन्होंने क्या क्या किया है, कितनी उनकी इनकम है, कितने वो पढ़े लिखे हैं, वो भी जो है वो बोर्ड लगे ताकि लोगों को पता चले कि आपका कैंडिडेट जो है उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो कितनी अच्छी पहल लिखती है। ये आज से ही नहीं है, तो पिछले कुछ 6-7 साल से मुहिम रही है अंडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की, कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है और उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो सब नाउ इज़ अवेलेबल, इज़ पब्लिश्ड, तो लोगों को ज़्यादा मालूम होता है। पिछले 2 सालों से वोटर्स की जो संख्या है वो गिरती जा रही है, क्या लोगों को अपील करेंगे कि वो ज़्यादा घर से निकलकर वोट करें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है? इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ये तो, और बोलने वाली बात ही नहीं है। अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो शायद आपका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, आप उसको निभा नहीं रहे। और अगर आप वोट नहीं कर रहे हैं तो इसके बाद आपको चुप रहना चाहिए, कुछ बोलने का अधिकार नहीं है आपको कि ये देश ऐसे क्यों चल रहा है, वैसे क्यों चल रहा है और क्या होना चाहिए, क्योंकि फिर आपने ये वोट ना देकर ये बात सिद्ध कर दी है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंट्री। अगर आपकी दिलचस्पी है कि भारत आगे बढ़े और कुछ करे तो आपको वोट देना ज़रूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू।